इस वक्त हम सवात मोटरवे के जो चकदरे वाला टनल है इसके बिल्कुल सामने खड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मन्नान तरीन और आप देख रहे हैं मन्नान तरीन व्लॉग। उम्मीद करता हूं कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सब दोस्तों को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। दोस्तों काफ़ी अरसे से स्वात मोटरवे पर सोच रहे थे कि कोई अच्छी सी वीडियो बनाएं, लेकिन लॉकडाउन की वजह से मौका नहीं मिल रहा था। और इसके अलावा मैं और रिजवान स्वात मोटरवे पर काफ़ी वीडियो देख चुके हैं, कोई अच्छी कोई सेटिस्फाइंग वीडियो हमें नहीं मिली। तो इस वजह से ख़्याल आया कि क्यों ना स्वात मोटरवे पे कोई तफसील से कोई अच्छी वीडियो बनाएं। तो इस स्वात मोटरवे वीडियो को अमली जामा पहनाने के लिए हमारे कुछ कुलीग्स ने इसका बंदोबस्त किया। आप लोगों को बताता चलूं कि मैं चूँकि बाइकर हूं और जो भी वीडियोस मैं बनाता हूं वो बाइक पे बनाता हूं, और स्वात मोटरवे पर वैसे भी बाइक अलाउड नहीं है। इसके अलावा जितने मोटरवेज हैं सब पे बाइक की परमिशन नहीं है। तो स्वात मोटरवे पे मेरे कुलीग्स ने इसका बंदोबस्त किया और उनके साथ गाड़ी पे हम निकले हैं। इस वक्त स्वात मोटरवे पर हम सफ़र कर रहे हैं। बहुत खूबसूरत मोटरवे है और दो लाइन वाली मोटरवे है। बाकी जो मोटरवेज़ हैं वो तीन और चार लाइन की है। ये चूँकि पहाड़ी इलाका है तो इस वजह से यहाँ पे तीन लाइन या चार लाइन की मोटरवेज़ बनाना बड़ा मुश्किल काम होता है, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बड़ी अच्छी मोटरवे बनाई है। एक तो इलाका बहुत खूबसूरत सरसब्ज शादाब और ऊपर से मोटरवे और ख़ूबसूरत मोटरवे जिसने चार चांद लगा दिए हैं। तो आज हम इस मोटरवे पर सफ़र कर रहे हैं और हमें बड़ा मज़ा आ रहा है। मैं और रिजवान हम सोच भी नहीं सकते थे कि हम इस मोटरवे पर सफ़र कर सकेंगे, लेकिन आज अल्लाह का शुक्र है आप दोस्तों की प्यार मोहब्बत से हम इस काबिल हुए कि इस मोटरवे पर हमने एक अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश की है। और इंशाल्लाह ये वीडियो आप दोस्तों को ज़रूर पसंद आएगी। दोस्तों बहुत खूबसूरत वीडियो है, उम्मीद है ये वीडियो जितने वीडियोस आप YouTube पे देख चुके हैं उनसे मुनफरिद होगी, क्योंकि रिजवान ने बहुत मेहनत से और बहुत जानफशानी से ये वीडियो बनाई है। दोस्तों मौसम भी बहुत प्यारा है और इलाका भी बहुत सरसब्ज शादाब है, तो यकीन करें बहुत मज़ा आ रहा है और रश भी कम है क्योंकि लॉकडाउन की वजह से गाड़ियों को यहाँ मतलब परमिशन नहीं है मोटरवे पे। हमें चूँकि स्पेशल हमने परमिशन ली थी तो इस वजह से हमें अलाउड है। तो दोस्तों ये आप देख रहे हैं इस वक्त चकदरा जो मेन इंटरचेंज है उसके करीब हम पहुँचे हैं। जी एक चीज़ मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि यहाँ चेक पोस्ट पे जो साहब खड़े थे
उन्होंने हमें 15 मिनट यहाँ पे रोके रखा, हमने अपना तारुफ भी कराया, अपने कार्ड्स भी दिखाए, लेकिन वो साहब बजद थे कि परमिशन नहीं है। और हमने बड़ी मिन्नत समाजत की, और मैं चूँकि पश्तो समझता था, पश्तो बोल सकता था, तो मैंने पश्तो में उनसे बात की, तो वो साहब मान गए और हमें आगे जाने की इजाज़त मिल गई। दोस्तों, ये एरिया चकदरा जो पहाड़ है, डाइवर्शन है, इस एरिए से इस वक्त हम गुज़र रहे हैं, और हमारे बाएं जानब स्वात मोटरवे का अंडर कंस्ट्रक्शन का जो एरिया है वो अब आपको मैं दिखाने लगा हूँ। ताकि हमारे व्यूवर्स को पता चल सके कि स्वात मोटरवे कितना मुकम्मल हो चुका है और इस पर कितना काम अभी बाकी है। तो दोस्तों, ये एक पहाड़ी सिलसिला है, चटियल पहाड़ है इस तरफ, और यहाँ थोड़ी सी गर्मी भी हमें महसूस हुई, लेकिन फिर भी इलाका खूबसूरत है क्योंकि यहाँ की व्यूज़ बहुत दिलकश है। और ये आप देख रहे हैं, यहाँ पे लेफ्ट साइड पे जो स्वात मोटरवे का अंडर कंस्ट्रक्शन एरिया है वो आपको नज़र आ रहा है। यहाँ से ये चढ़ाई अभी शुरू हो चुकी है, और अब इस चढ़ाई पे इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि इस चढ़ाई को हम सर कर सकें, क्योंकि इस चढ़ाई के बारे में हमने सुना है कि ये बहुत सख्त चढ़ाई है, यहाँ पे अक्सर गाड़ियाँ रुक जाती है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, हमारी गाड़ी अभी तक ठीक चल रही है, गो के चढ़ाई सख्त है और गाड़ी स्लो स्लो चल रही है, लेकिन शुक्र है कि चल रही है और अल्हम्दुलिल्लाह चढ़ाई चढ़ रही है। और नीचे ये डोमिनेशन वाले एरिया हैं, आप देख रहे हैं इस साइड पे चटियल पहाड़ है, लेकिन डाइवर्शन वाला रोड भी बहुत खूबसूरत बनाया हुआ है, और यहाँ पे थोड़ा सा रश है, ऊपर से भी गाड़ियाँ आ रही हैं। यहाँ से आपको स्वात मोटरवे का जो एरिया भी ज़ेरे मतलब अंडर कंस्ट्रक्टेड है वो आपको नज़र आएगा। और हम अभी स्वात जो ट्विन टनल है उसके नज़दीक पहुंचने वाले हैं। बहुत खूबसूरत मोड़ है ये और बहुत दिलकश, और यहाँ से जो व्यूज़ हैं वो बहुत खूबसूरत है, क्योंकि इस वक्त हम जो पहाड़ी सिलसिला है उसके टॉप पे अब पहुंचने वाले हैं, और सामने ये ट्विन टनल आप देख रहे हैं, और हमारी गाड़ी अभी टनल के अंदर दाखिल होने वाली है। 500 मीटर फासले पर ये टनल मुहित है, यानी ये टनल 500 मीटर लंबा है। दोस्तों, इस टनल में काफ़ी खुनकी है इस वक्त, और हमें बड़ा अच्छा यहाँ लग रहा है। इस वक्त हम स्वात मोटरवे का जो चकदरे वाला टनल है इसके बिल्कुल सामने खड़े हैं, और बहुत खूबसूरत व्यू है, बहुत खूबसूरत वीडियो है, ये इलाका बहुत खूबसूरत है, और ये डेवलपमेंट का काम काफ़ी हद तक हो चुका है। ये टनल कंप्लीट है, इसके आगे एक और टनल है जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है,
और अभी हम आगे बढ़ रहे हैं इंशाल्लाह। बड़ा खूबसूरत व्यू है जो कि आप देख रहे हैं, बड़ा मज़ा आ रहा है इस एरिया में। तो इंशाल्लाह हमारी ये जो वीडियो है ये बिल्कुल अभी एंड पे पहुंची हुई है, इससे हमारा वापसी का सफ़र जो है वो शुरू है। तो ये सफ़र बहुत आसान हो गया और जो टूरिस्ट हजरात हैं उनके लिए बहुत इजी हो गया। और इस रोड की वजह से स्वात और इस्लामाबाद 2.5 से 3 घंटे के फासले पर सिमट कर रह गए। तो ये रोड, ये मोटरवे, बहुत खूबसूरत मोटरवे, और मोटरवे के दोनों जानब खूबसूरत बागात हैं दोस्तों। आड़ू के सरसब्ज बागात हैं यहाँ पे, क्योंकि ये जुलाई का महीना है और आड़ू इस वक्त बिल्कुल तैयार हैं। और टाइम इस वक्त 4:30 बजे का है। बड़े खूबसूरत खेत आपको नज़र आ रहे हैं और सामने चकतरा स्वात मोटरवे का आखिरी इंटरचेंज है दोस्तों। यहाँ पे अभी जो इनका अमला है मोटरवे का, क्योंकि ये अंडर कंस्ट्रक्टेड है, अभी तक अमला यहाँ पे मौजूद नहीं है। और यहाँ से 3 किलोमीटर के फासले पर चकदरा शहर वाकिया है। ये चकदरा बाईपास है, ओवर ब्रिज है, इसको हम क्रॉस कर रहे हैं। और हमारा जो प्रोग्राम है वो चित्राल रोड पर जो मेन ब्रिज है उस साइड पे हमने निकलना है। और दरियाए स्वात का एक छोटा सा नज़ारा करके ये नेशनल हाईवे जो चित्राल की तरफ जा रही है उसका मेन ब्रिज है। और नेशनल हाईवे को एक साइड पे करके हम लिंक रोड से नीचे उतरे हैं। हाँ जी दोस्तों, हमारा ये सफ़र तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। एंड वेट अ सेकंड, जब छुट्टी जाने लगे हैं ना हम लोग, रोज एक बोरी पड़ी थी, वो कहते हैं 5 बोरी किस तरह उसको देनी थी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वक्त हम चकदरा पहुंच चुके हैं और ये दरिया स्वात है जो कि मेरे बैक साइड पे ये इस वक्त बह रहा है। और टाइम है 4:30 से 5 बजे का टाइम है। और यहाँ का मौसम बहुत ही अच्छा है, बड़ा ज्योफुल मौसम है। और ऊपर ये चित्राल शहर है, जो चित्राल की तरफ रोड जा रहा है ये वो रोड है। और ये सामने चित्राल पॉइंट लिखा हुआ है, बहुत ज़बरदस्त बहुत खूबसूरत इलाका है। ये सामने दरिया स्वात है, अभी हम दरिया स्वात की तरफ जाने लगे हैं। जी दोस्तों, ये वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आ गया होगा। तो इस तरह की खूबसूरत वीडियो देखने के लिए लाजमी हमारे चैनल पे आए और हमारी वीडियोस देखें। उम्मीद है इंशाल्लाह ये वीडियोस आपको पसंद आ जाएगी। और इस तरह की मज़ीद वीडियोस के लिए इंशाल्लाह हम वक्तन फ़ोक्तन आप दोस्तों की खिदमत में नई वीडियो बना के पेश करते रहेंगे। तो तब तक के लिए इतना ही, अपनी दुआओं में मुझे रिजवान और हमारे साथियों को याद रखना। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बाय।